हाय फ्रेंड्स, वेलकम्स टू माय चैनल विलेज फूड खजाना। आज मैं आपके साथ और एक नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो है रो बनाना लौंजी। कच्चे आम का खट्टी मीठी लौंजी हम आज बनाएंगे, जो बहुत ही टेस्टी होगा और आप इसे आराम से रोटी, चपाती, चावल सबके साथ खा सकते हैं, बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। तो आइए हमारा ये रेसिपी अब स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ 250 ग्राम का दो आम लिए है, कच्चे आम। अब इसे छील लेते हैं हम अच्छी तरह से। अब देखिए, मैंने आम को अच्छी तरह से छील लिया है। अब इसे हम काट के छोटे छोटे स्मॉल पीसेस कर देंगे आम का, ऐसे इस साइज का, स्मॉल साइज का छोटे पीसेस कर देंगे। अब मैंने आम को छोटे छोटे ऐसे पीसेस में काट लिए है। यहाँ मैंने लहसुन और अदरक लिया है, इसे हम अब दरदरा ऐसा इसे कूटेंगे। ये देखिए, मैंने इसे कूट लिया है। लहसुन और अदरक डालने से इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। अब मैंने कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच ऑयल ली है, तेल गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम जीरा डालेंगे 1 चम्मच या 1/2 चम्मच, और मेथी 1/2 चम्मच, सौंफ 1/2 चम्मच, और कलौंजी 1/2 चम्मच, और मस्टर्ड सीड्स जो सरसों का दाना है उसे भी हम 1/2 चम्मच डालेंगे। और ये सब अच्छी तरह से जब चटक जाएगा तब इसमें हम 1 बे लीफ डालेंगे, तेज पत्ता, 2 रेड चिली, और इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे। अब इसमें हम कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, और इसमें हम थोड़ा सा हींग डालेंगे। हींग डालने से इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। इसमें हम 1 चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अब जो अदरक और लहसुन को हमने कूट के रखे थे, अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चला लेंगे। इसे 1/2 मिनट के लिए पका लेंगे। और इसमें अब हल्दी 1/2 चम्मच ऐड करेंगे। अब जो कच्चे आम हमने काट के रखे थे, अब इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरह से मसालों मिक्स करते हुए चला लेंगे। अब इसमें हम 1/2 चम्मच नमक देंगे, नमक ऐड करके इसे अच्छे तरह से मिक्स करते हुए चला लेंगे। और इसमें हम 1/2 कप पानी देंगे, और पानी देके इसे कवर करके हम 5 से 6 मिनट तक इसे बॉयल होने के लिए अच्छे तरह से छोड़ देंगे। आम हमारा अब पक चुकी है। अब इसमें हम जागेरी डालेंगे, गुड़। गुड़ मैंने यहाँ 150 ग्राम लिया है, सारे गुड़ को इसे इसमें डाल के अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। और इसे गुड़ जब तक मेल्ट ना हो जाए हम इसे कवर करके रखेंगे, और गुड़ अच्छी तरह से जब मेल्ट हो जाएगा तब इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। अब ये देखिए, गुड़ हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें हम अब 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और इसे कवर करते हुए 2 से 3 मिनट तक फिर से पकाएंगे। आम अच्छी तरह से पक जाएगी 2-3 मिनट के बाद। अब हमारा लौंजी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर देंगे। जीरा पाउडर डालने से लौंजी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, और आप इस प्रकार बना कर खाइए और देखिए इसका टेस्ट कैसा लगता है। आप इसे फ्रिज में भी स्टोर करके रखे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।